हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इवेक्सिया लाइफ केयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहां कहां पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी केमिकल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर गुड्स की बिजनेस करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 136 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 179 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 2.52% है कंपनी की ROCE एंड 1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 14.28 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 20.3 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है, एंड अगर देखा जाए तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कंपनी की रेवेन्यू कम हो रही है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 84,000 रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 27.32 लाख रुपीस का लॉस जनरेट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने 47.37 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा ही चुकी है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बराबर ग्रो कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग को साफ पता चल रहा है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की जो EPS है वो 0 है, मार्च 2022 में नेगेटिव 0.04 था एंड जून 2021 की क्वार्टर में पॉजिटिव 0.08 था। तो जून 2021 के क्वार्टर के कंपैरिजन में मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, लेकिन प्रॉफिट के जैसा कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की EPS ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट आई है वो काफ़ी हद तक वीक ही निकल के आई है एंड सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट इंप्रूव हुई है, वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड EPS ग्रोथ, बाकी सब कुछ डिटोरिएट हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 13 लाख रुपीस का कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 77 लाख रुपीस का हो चुका है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड जून क्वार्टर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रमोटर्स एंड DIIs ने सेलिंग करी है, बाकी FIIs ने तो पूरा होल्डिंग बेच के ही कंपनी से क्विट कर गए। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 84.58% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, इस कंपनी में
रिटेलर्स की होल्डिंग है, छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है 84% के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे स्टॉक्स की प्राइस को मैनिपुलेट करना। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड या तो फिर स्विंग ट्रेड प्लान करो। बाकी अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखा सकती है, बहुत ही बढ़िया कंपनी की बिजनेस ग्रो कर सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि आगे चल के ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस जिन लोगों का भरोसा है एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को मैं यही बोलूंगा, अभी कंपनी जहां पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 1.5 रुपये के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। एंड ये भी हो सकता है कि कंपनी 1 रुपये तक की फॉल शो कर दे, तो जितना हो सके, मेरा कहने का मतलब है कि जितना हो सके 52 वीक लो के आसपास ही एंट्री लेने की ट्राई करना। बाकी एकदम आप लोग लोएस्ट पॉइंट तो एंट्री नहीं ले पाओगे, लेकिन जितना हो सके क्लोज टू 52 वीक लो ही रखना अपनी एंट्री प्राइस, बीच में मत घुस जाना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one conversation। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।